तेरे ग्लैमर से तेरा पहचाना नहीं है तूने? पहचाना है, परसों हो जाएगा, परसों तक। परसों वाला तो तुम्हारे टाइम ही 12 गेमों के अंदर ना जीतना होगा लगातार, तब हो जाएगा ग्रैंड मास्टर। अच्छा, पर अगर हम एक गेम में जीते ना 5 किल्स के साथ, तो फिर हमारा प्लस 35-40 इतना हो जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसे करो, तुम उनको शैडो फाइट खेलना है, शैडो फाइट भी खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद खेलेंगे शैडो फाइट। ठीक, पहले हम फ्री फायर खेलेंगे। हाँ, उसके बाद हम डूड खेलेंगे। उसका न्यू कैरेक्टर ला के देना तुम। ठीक है, पहले सुलेमान को लेके देना है तुम्हें। सबसे पहले मुझे, फिर सुलेमान को। हाँ, सुलेमान का तो हो गया तकरीबन कैरेक्टर अनलॉक, लेकिन फिर भी मैं पहले तुम्हें ले दूंगी। ठीक है, उसकी एबिलिटी बड़ी अच्छी है। गिटार, वो लोगों को फ्रीज करके मार सकते हैं, 10 सेकंड तक फ्रीज कर सकते हैं। चैट आएगा मेरे ख्याल में अगले से अगले अपडेट के बाद। हाँ, डूड सिर्फ वॉर्स के अंदर एक अगली वीडियो है ना। डूड सिर्फ वॉर्स के अंदर एक ऑनलाइन भी है ना। हाँ, मोड, उसके अंदर हम लोगों के साथ जिस तरह फ्री फायर खेलते हैं ना, उस तरह हम मार सकते हैं, गन्स देते हैं। अच्छा, तो ये पता है तो हमारा घर बड़ा, फिर बड़ा जब से जो ऊपर आते हैं ना अपने कलेक्टर, पर उसका घर किधर होएगा? उसका, हाँ, उसका होगा पहाड़ के पीछे। तुम्हारे पास डीजे लॉक कैसे आया है? इतने अच्छे अच्छे कलेक्टर्स भाई। अच्छा ठीक है, वो स्टोरी बता देता। तो जब भी हमारा वो आया था, जैसे हम एक कलेक्टर चूज कर सकते और जब वो और फिर हम गेम भी खेल सकते, तो मैंने आलोक चूज कर लिया और फिर वो पूरा हो गया तो मुझे आलोक मिल गया। तो ऐसे कर करके मैंने सारे बंदे खरीदे और बाकी को मैंने गॉड से खरीदे, इसके साथ एक्सचेंज किया था। मैंने सबसे पहले आलोक चूज किया था, उसके बाद फिर मैंने सारे करेक्टर्स, किस तरह दो करेक्टर्स थे उनमें से एक चूज करना था। हाँ, उनमें से एक चूज करना। पहली बारी कौन कौन से दो आए थे? एक आलोक था और दूसरा, दूसरा अपना तो क्लोनो था शायद से। फिर बाकी जब गेम अपडेट हो गई तो फिर मैं बाकी सारी गॉड से खरीद के। सही,